नमस्कार दोस्तों, आमिर खान और किरण राव एक परफेक्ट कपल थे। फैंस दोनों की जोड़ी की हमेशा तारीफ करते थे, लेकिन किसे पता था कि अचानक एक दिन ऐसे ही जोड़ी अलग हो जाएगी। वहीं इसमें फातिमा का नाम भी शामिल हो सकता है। आमिर खान ने शनिवार को किरण राव से तलाक लेकर सबको चौंका दिया है। दोनों ने शादी के 15 साल बाद अलग होने का फैसला लिया। आमिर और किरण ने स्टेटमेंट जारी कर अलग होने की जानकारी दी। आमिर और किरण के अलग होने पर सोशल मीडिया पर फैंस के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं इसी बीच फैंस ने फातिमा सना शेख को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है। यूजर्स ने ट्रोल करते हुए फातिमा को दोनों के तलाक की वजह बता रहे हैं। हालांकि हम इन खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं। यूजर्स ट्रोल करते हुए फातिमा को दोनों की तलाक की वजह बता रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, फातिमा सोशल मीडिया पर ट्रेंड जरूर हो रही हैं। फैंस फातिमा की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो हम आपको फातिमा की पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल की भी आइकन को दबा लें। फातिमा का जन्म हैदराबाद में हुआ था। एक्ट्रेस के पिता बिपिन शर्मा जम्मू के ब्राह्मण परिवार से हैं, तो माँ तबस्सुम श्रीनगर के मुस्लिम परिवार से। उनके घर में इस्लाम धर्म को माना जाता है, जिस वजह से एक्ट्रेस का नाम फातिमा रखा गया। फातिमा ने अपना करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था। फिल्म चाची 420 में वह कमल हासन और तब्बू की बेटी के किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म में फातिमा के किरदार को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद वह बड़े दिलवाला और 1, 2 का 4 फिल्म में नजर आई थी। 1, 2 का 4 में शाहरुख खान और जूही चावला लीड रोल में थे। इसके बाद फातिमा ने तेलुगु फिल्म में भी काम किया। फिर बतौर लीड रोल काम करने का मौका फातिमा को फिल्म दंगल से मिला। इस फिल्म के जरिए फातिमा और सानिया मल्होत्रा दोनों ने लीड एक्टर्स के तौर पर कदम रखा। फिल्म में दोनों आमिर खान की बेटी के किरदार में नजर आई थी। फातिमा और सानिया को इस फिल्म के जरिए खूब पॉपुलरिटी मिली। इसके बाद फातिमा आमिर खान के साथ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें भी वायरल हुई थी। हालांकि आमिर ने उन पर कभी रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन फातिमा ने जरूर अपना रिएक्शन दिया था। फातिमा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, पहले मुझे इन बातों से बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता। कई अनजान लोग जिनसे मैं कभी मिली नहीं, वे मेरे बारे में कुछ भी लिखते हैं। वे ये भी नहीं सोचते कि इसमें सच्चाई है या नहीं। जो लोग इन खबरों को पढ़ते हैं, वे सोचते हैं कि मैं अच्छे इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने इन बातों को नज़रअंदाज करना सीख लिया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।